हेलो डियर स्टूडेंट्स, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया जैसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस ट्यूटोरियल में हम स्टडी करने चल रहे हैं, द पेनिनसुला प्लेटो। इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी इस चैप्टर में दिया गया है वो हम स्टडी करेंगे, मैप वर्क भी देखेंगे और एक ब्लैंक मैप जैसा कि हम करते चले आ रहे हैं वो भी हम फिलअप करेंगे लास्ट में, और देखेंगे कि डिफरेंट प्लेटोज़ की लोकेशंस लगभग लगभग एग्जैक्ट क्या है, और भी जो डिफरेंट हिल्स डिस्क्राइब की गई हैं इस टॉपिक में वो भी हम उस ब्लैंक मैप में हम फिलअप करेंगे लास्ट में इस ट्यूटोरियल के। और ये ट्यूटोरियल्स उन लोगों के लिए हैं जो एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ते हैं, समझते हैं, एक एक चीज़ को नॉलेज गेन करने की कोशिश करते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि हमने क्वेश्चन आंसर रट लिए और 9th क्लास किसी तरह पास कर ली, अभी नहीं तो आगे जाके आप कंपटीशन बीट करने की कोशिश करोगे, तब पढ़ोगे, आप कोचिंग में जाओगे, महंगे महंगे पैसे खर्च करोगे और फिर से एनसीईआरटी की बुक्स खरीदोगे और फिर पढ़ोगे। यस, यू विल स्टडी अगेन दीज थिंग्स, और तब हम जैसे टीचर्स आपको याद आएंगे। मत सोचिए कि हम आपको डांट रहे हैं, नो नो, यू आर फ्री टू लर्न, बट वट एवर यू लर्न, लर्न इन ऑर्गेनाइज मैनर, इन अ सिस्टमेटिक मैनर, पिकिंग अप इम्पॉर्टेंट थिंग्स, पिकिंग अप इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एंड गेनिंग नॉलेज विच विल मेक योर कैरियर। कहीं पे भी खड़े हो जाओगे, कोई भी पूछेगा तो आप जवाब दे पाओगे, प्लेटफॉर्म पे एक लेक्चर दे सकते हैं आपको। यस, ऐसा होना चाहिए। एनीवे, प्लेटो पठार। लेकिन इस ट्यूटोरियल को आगे बढ़ाने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि वास्तव में प्लेटो होते क्या हैं। देखिए, जैसे हमने नदन प्लेन को पढ़ा था, तो प्लेन से जिसे हम प्लेन नहीं कह सकते उस लेवल तक के एलिवेटेड पोर्शन को हम प्लेटोज़ कहते हैं। लेकिन प्लेटोज़ की पहचान क्या होती है कि उनकी जो टॉप पार्ट्स होते हैं वो फ्लैट होते हैं। जैसे आपने देखा होगा टेबल, तो टेबल में चार पाए होते हैं, वो ऊपर उठा आता है लेकिन उसका ऊपर का पोर्शन फ्लैट होता है। लगभग लगभग प्लेटोज़ के साथ यही होता है। प्लस प्लेटोज़ ग्लेशियर के लिए नहीं जाने जाते हैं और जनरली पहाड़ों से चारों तरफ घिरे रहते हैं, और जनरली आपको ओल्ड स्ट्रक्चर वहाँ पे स्टोन्स का, रॉक का देखने को मिलेगा। उसमें पर्वतों जैसी चोटियाँ नहीं होती, समिट्स नहीं होती, और चूँकि प्लेटोज़ काफ़ी पुराने हैं इसलिए काफ़ी ज़्यादा डिसेक्टेड और काफ़ी इरोजन उनका हो चुका है। और एक जनरल पैमाना ये माना गया है कि जो सी लेवल है, ओके, यानी जो आप समुद्र देखते हो तो समुद्र के पानी का जो लेवल ऊपर नज़र आता है सी लेवल, तो सी लेवल से अगर +150 तक, फ्रॉम 150 मीटर तक आप प्लेन कहेंगे, ओके। लेकिन ऐसा मत सोचिए कि 150 के बाद थोड़ा सा भी बढ़ने पर प्लेन एरिया नहीं रहेगा, ये डिपेंड करता है वहाँ के एलिवेशन और रिलीफ फीचर्स पे। दूसरा, अबव 150, मतलब अगर 150 मीटर से ऊपर है और 600 मीटर तक, तो वो हो जाएगा आपका प्लेटो, पठार। लेकिन ऐसा भी मत आप समझिएगा कि बस इतनी ऊंचाई तक हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए तिब्बतन प्लेटो है, अब जो तिब्बतन प्लेटो है वो 5000 मीटर की ऊंचाई को टच करता है, बट इट इज़ अ प्लेटो। कारण क्या है कि उसका जो टॉप लेवल है वो फ्लैट है, ऊंचाई ज़्यादा है, इतने पे तो आपको पर्वतों की चोटियाँ मिल जाएंगी, लेकिन जो स्ट्रक्चर होता है प्लेटो का वो पर्वतों से डिफरेंट होता है। दे हैव स्टीप स्लोप्स, समिट्स, पीक्स, ऐसा प्लेटो में देखने को नहीं मिलता, और ओल्ड रॉक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ओल्ड रॉक फॉर्मेशंस यहाँ पे मिलती हैं। और अगर 600 मीटर से एबव, मतलब एबव 600 मीटर, आप कहेंगे माउंटेन्स, ओके। तो एक जनरल रिलीफ फीचर्स रिलेटेड ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जो हमने नदन प्लेन पढ़ा था वो जनरली इसको फॉलो करता है। बस जहाँ पर हम पंजाब प्लेन वगैरह को पढ़ रहे थे वहाँ पर वो लगभग लगभग 300 मीटर की ऊंचाई को भी तय करता है, लेकिन उसका एक कारण यह है कि जो अरावली रेंजेस हैं वो जब इंडियन प्लेट टकराती है यूरेशियन प्लेट से, तो उस दौरान ये जो ये पोर्शन हिट करता है उसकी वजह से ऊपर उठ गया था, तो वो मैदान का क्षेत्र भी वहाँ ऊपर उठा हुआ है। बट दीज आर द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दैट आई एम गिविंग यू, आप चाहें तो इसे अवॉइड कर सकते हैं। एनीवे, लेट अस गो एंड सी व्हाट इज़ गिवन इन द बुक। द पेनिनसुला प्लेटो, ये वही जो गोंडवाना लैंड है ना, उसी का हिस्सा है ये। द पेनिनसुला प्लेटो इज़ अ स्टेबल लैंड। टेबल लैंड इसलिए जो मैंने भी आपको बताया और आपने इमेज में भी देखा था, किस प्रकार से जो मैदानी इलाका होता है उसे ऊपर उठा हुआ, इस प्रकार जो फ्लैट एरिया हमें मिलता है वो है आपका प्लेटो। और इसकी ऊंचाई भी मैंने आपको बता दी, 150+ में और 600 मीटर तक, लेकिन इट इज़ नॉट दैट इट इज़ ऑलवेज विद इन 600 मीटर। कंपोज्ड ऑफ द ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो देखिए, इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, अब क्रिस्टलाइजेशन भी आपने पढ़ा होगा साइंस वगैरह में, कि कोई भी सोल्यूबल आइटम या जो लिक्विड होता है वो जब सॉलिड बनता है तो क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं। क्रिस्टल क्यों फॉर्म होते हैं? क्योंकि जो सोल्यूबल जो लिक्विड फॉर्म में होता है तो उसमें जो भी
मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपना एक रिजिड ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर बनाते हैं जो क्रिस्टल फॉर्म करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप समुद्र का पानी लीजिए, है ना, खारा समुद्र का पानी, और उसके बाद उसमें आपको जो वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में है, और जब वो एवोपरेट हो जाएगा तो क्या रह जाएगा, नमक रह जाएगा, और वो क्रिस्टल है। आपने डायमंड का नाम सुना है, डायमंड भी क्रिस्टल है। उस तरह के जितने भी हमें कीमती पत्थर मिलते हैं वो क्रिस्टल से हैं, और क्रिस्टल के फेसेस होते हैं। आपने डायमंड के फेसेस देखे होंगे, स्पार्कल करते हैं, चमकते हैं। क्वार्ट्ज भी एक क्रिस्टल है। तो यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन किस वजह से हुआ होगा, जो लावा है ना, उसके फ्लो होने की वजह से, जब वो अर्थ की सरफेस पे फ्लो होके और रैपिड कूलिंग हुई, जिसकी वजह से ये जो रॉक फॉर्मेशन है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में देखने को मिलती है, और इन्हीं लावा की वजह से इग्नियस रॉक्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और आप जानते हैं सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक्स चेंज होकर बाद में मेटामॉर्फिक रॉक्स बनते हैं। इट वॉज फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड एंड दस मेकिंग द पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास। तो इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको, क्योंकि ड्रिफ्ट का मतलब होता है कि अपनी जगह से मूव करते हुए दूसरी जगह जाना, डिफरेंट डायरेक्शन में। अब ब्रेकिंग का मतलब टूटना, तो क्या टूटता है, क्या चीज़ ड्रिफ्ट होती है और किससे होती है, गोंडवाना लैंड से। तो देखिए, फेमस फिगर्स है, आपने और भी जगह देखी होंगी कि शुरू में जो भी कॉन्टिनेंट्स आप देखते हैं वो सब सब इसी तरह से गुत्थम गुत्था थे एक में, और पेंजिया नाम से इनको कहा जाता था, जो लगभग 250 मिलियन ईयर्स एगो की बात है। उसके बाद ये डिफरेंट जो परमियन, ये ट्राइसिक, ये सब पीरियड्स हैं, अभी इनके चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है, बस इतना समझना है कि जो पेंजिया था वो बाद में ब्रेकअप होना शुरू होता है, जो आपने वहाँ पे वर्ल्ड आपने पढ़ा था ना, ब्रेकिंग। और उसके बाद जब ब्रेकिंग शुरू होती है तो जो इक्वेटर के ऊपर का हिस्सा है वो अलग ऊपर ड्रिफ्ट करता है, और जो नीचे वाले हिस्से हैं वो अपने अपने अलग अलग डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होना शुरू होता है। अब जैसे ये अफ्रीका है, साउथ अमेरिका है, और ये इंडिया, तो ये सब ड्रिफ्ट होना शुरू होते हैं, और धीरे धीरे ड्रिफ्ट करते करते जैसे इंडिया मूव कर रहा है और ये प्लेट इधर मूव हो रही है, इधर मूव कर रहा है, आगे जाके ये प्लेट इससे टकराती है, और टकराने के बाद यहाँ पे हिमालय फॉर्मेशन होता है, और आज यही स्थिति है। तो आप देख रहे हैं कि जो पेनिनसुलर प्लेटो हम पढ़ रहे हैं वो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पे मैदान, नदन प्लेन और हिमालय पर्वत आपको नहीं मिल रहे हैं। तो पेनिनसुलर प्लेटो वास्तव में यही ओल्ड लैंड मास है। पेंजिया का जो नीचे वाला हिस्सा है ना, ये गोंडवाना लैंड था, और ऊपर वाला हिस्सा जो अलग होता है उसे लॉरेशिया या अंगारा लैंड हम कहते हैं। ये गोंडवाना लैंड यानी लॉरेशिया, तो गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा था जो पेनिनसुलर प्लेटो आप देख रहे हैं। ये जो इसका शेप देखिए आप किस तरह का है, लगभग वैसा ही शेप हमारे पेनिनसुलर प्लेटो का है, यही शेप यहाँ पे ये है। तब आप समझ गए होंगे कि क्या ब्रेकिंग है, क्या ड्रिफ्टिंग है, और गोंडवाना लैंड क्या है, और इसलिए ये ओल्डेस्ट लैंड मास का हिस्सा है। ओल्डेस्ट लैंड मास का मतलब या तो लॉरेशिया का या गोंडवाना लैंड का हिस्सा, वहीं से टूट कर ही आया है। और पेनिनसुलर प्लेटो में काफ़ी फॉर्मेशंस लावा फ्लो होने के कारण भी रॉक की फॉर्मेशंस हुई हैं, इसलिए यहाँ पे इग्नियस वर्ड यूज़ किया गया है। और लावा गर्म होता है, वो मेल्ट करता है, तो उसके बाद क्रिस्टलाइजेशन होता है। तब आप समझ गए होंगे इन पत्थरों का जिक्र यहाँ क्यों किया गया है, रॉक फॉर्मेशन का। तब प्लेटो हैज़ ब्रॉड एंड शैलो वैलीज़, देखिए चौड़ी चौड़ी घाटियाँ हैं और ज़्यादा गहरी घाटियाँ नहीं हैं। जैसा आपने जब हम हिमालयन माउंटेन्स के बारे में पढ़ रहे थे, वहाँ पे गहरी गहरी घाटियाँ थीं, एंड राउंडेड हिल्स, और जो पहाड़ियाँ यहाँ पर हैं उनकी जो चोटियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा नुकीली नहीं है, हिल्स राउंडेड हैं। एक तो बहुत ऊंची आपको यहाँ पे पर्वत श्रृंखलाएँ मिलेंगी ही नहीं, वो सब हम हिमालय पर्वत श्रेणियों में पढ़ चुके हैं। दिस प्लेटो कंसिस्ट ऑफ टू ब्रॉड डिविजन्स, इस प्लेटो में दो ब्रॉड डिविजन्स हैं। तो मैं अब आपको ये बता दूँ कि वास्तव में हमें कवर क्या करना है इस ट्यूटोरियल में। देखिए, जो हमारा इंडियन प्लेटो है ना, वो इस तरह से है जो आप देख रहे हैं यहाँ पे शेप, और इसी प्लेटो को जिसे आप पेनिनसुलर प्लेटो यहाँ पर पढ़ रहे हैं, द पेनिनसुलर प्लेटो, उसके दो भाग किए गए हैं। वो दो भाग कौन कौन से हैं, वो दो भाग हैं इसी के, एक तो सेंट्रल हाईलैंड, इसी में हम मालवा का प्लेटो, बघेलखंड, बुंदेलखंड और छोटा नागपुर के प्लेटो को आगे हम देखेंगे, और इसके बाद नीचे वाला हिस्सा जो है वो डेक्कन प्लेटो है, मतलब दक्षिण के पठार। तो आप समझ गए होंगे कि हमें वास्तव में पढ़ना क्या है, सेंट्रल हाईलैंड्स, डेक्कन प्लेटो, इनके बीच की जो बाउंड्री है, कुछ पठारों के नाम, कुछ नदियों के नाम और कुछ पहाड़ियों के नाम। द प्लेटो कंसिस्ट ऑफ टू ब्रॉड डिविजन्स, नेमली द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द डेक्कन प्लेटो, जो मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे, सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द डेक्कन प्लेटो। द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर, देखिए नर्मदा रिवर के उत्तर में, इसको ध्यान रखिए, कवरिंग अ मेजर एरिया ऑफ मालवा प्लेटो, और मालवा प्लेटो का ज़्यादातर क्षेत्र, उसे हम सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं। अब हम बुक का मैप लेते हैं, देखिए ये है नर्मदा रिवर, ओके, जो ऐसे जाती है और मैकाल हिल पे ख़त्म होती है, क्योंकि यहीं पे हमारा कंटक की पहाड़ियाँ हैं और यहीं से ये नदी ओरिजिनेट होती है,
निकलती है, अमरकंटक इसका उद्गम स्थल है और अमरकंटक से ही सोन नदी निकलती है। एनीवे इसका नदन पार्ट, क्योंकि बुक में लिखा गया है कि नर्मदा नदी के उत्तर में, तो क्या है, टू द नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर कवरिंग अ मेजर एरिया ऑफ मालवा प्लेटो इज नोन एज द सेंट्रल हाईलैंड। इसका उत्तर का भाग सेंट्रल हाईलैंड कहलाता है। द विंध्यन रेंजेस मतलब जो विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं इज बाउंडेड बाई द सतपुड़ा रेंज। तो विंध्याचल की पहाड़ियाँ साउथ में सतपुड़ा रेंज से घिरी हुई हैं, मतलब अगर ये विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं तो इसका नॉर्थ ये होगा, इसका साउथ ये होगा, तो साउथ में सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं, सतपुड़ा रेंजेस, एंड अरावली इज़ ऑन द नॉर्थ वेस्ट, और नॉर्थ वेस्ट में अरावलीज हैं। चलिए हम इसके लिए एक और मैप ले लेते हैं जो आपके बुक के ही जैसा है बट ब्लैक एंड वाइट में है। ये मैप आप ले लेते हैं, वही बुक का ही मैप है आपका बट कलर्ड नहीं है। अब देखिए ये है विंध्याचल रेंजेस, ओके, और ये रही सतपुड़ा रेंजेस। तो विंध्याचल पीछे साउथ में घिरा हुआ है सतपुड़ा रेंजेस जो इनके पैरेलल चलती हैं, और इसका नॉर्थ और वेस्ट, देखिए नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट में अरावली की पहाड़ियाँ हैं और ये हिस्सा आपका मालवा का प्लेटो का है। तो देखिए नर्मदा नदी ये बह रही है बीच में ऐसे जाके, और इसके उत्तर का भाग मीन्स कि ये जो पोर्शन है आपका ये दिस, ये है सेंट्रल हाईलैंड, और इस सेंट्रल हाईलैंड का काफ़ी कुछ हिस्सा मालवा प्लेटो का है, जो अभी हम अलग से मैप में फिलअप करेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा इनकी लोकेशंस कैसे बनानी है, कैसे दिखानी है, क्योंकि आपको तो ब्लैंक मैप मिलेगा वहाँ शो करना होगा। तो आपको सेंट्रल हाईलैंड क्लियर हो गया, यानी कि नर्मदा नदी के उत्तर में और नर्मदा नदी विंध्याचल पहाड़ियों के दक्षिण में, या विंध्याचल और सतपुड़ा रेंजेस के बीच में बहती है इसके उत्तर में, और विंध्याचल की पहाड़ियों के नीचे हैं साउथ में सतपुड़ा के रेंजेस, तो इन सब से घिरा हुआ है, मतलब साउथ में ये सब चीज़ें हैं और नॉर्थ वेस्ट में अरावली की पहाड़ियाँ हैं जो कि दिल्ली तक चली गई हैं, और इधर पर आपका छोटा नागपुर प्लेटो है, इधर राजमहल की पहाड़ियाँ हैं। दरअसल ये जो प्लेटो हम पढ़ रहे हैं ना, इस प्लेटो का इधर वाला पोर्शन जो है वो वेस्टर्न घाट की पहाड़ियों से कवर होता है, इधर वाला पोर्शन जो है ईस्टर्न घाट की पहाड़ियों से कवर होता है, इधर राजमहल की पहाड़ियां हैं झारखंड, जब हम आपको मैं छोटा नागपुर लोकेट करके बताऊंगा तो वहां मैं बताऊंगा, इधर अरावली की रेंजेस हैं। तो इस टाइप से ये चारों तरफ से घिरा हुआ है पहाड़ियों से, और इधर पे नदन प्लेन, क्यों, क्योंकि इसके बाद से जो रिलीफ है वो 150 मीटर का देखने को मिलता है, तो मैदानी इलाका शुरू हो जाता है, और इसके ऊपर ये थोड़ा सा उठा हुआ है, मैंने बताया था ना 150 मीटर से लेकर 600 मीटर तक की ऊंचाई पे जो है वो पठारी इलाके होते हैं। तब आपको सेंटर हाईलैंड की लोकेशन क्लियर हो गई होगी, नर्मदा नदी के उत्तर में इधर अरावली रेंजेज हैं और मालवा प्लेटो का ज़्यादातर क्षेत्र कवर करता है सेंट्रल हाईलैंड। द विंध्यन रेंज इज बाउंडेड बाय द सतपुड़ा रेंज ऑन द साउथ एंड अरावली इज ऑन द नॉर्थ वेस्ट, मैंने यहाँ बता दिया आपको। द फर्दर वेस्टवर्ड एक्सटेंशन मतलब पश्चिम की तरफ ग्रेजुअली मर्जेस विद द सैंडी एंड रॉकी डिजर्ट ऑफ राजस्थान, मर्ज को मतलब मिल जाना, वेस्टवर्ड को मतलब पश्चिम की तरफ, एक्सटेंशन मतलब किसी भी चीज़ का फैलाव। ये जो आप प्लेटो रीजन देख रहे हैं ना सेंट्रल हाईलैंड का, ये एक्सटेंड कर गया है इंडियन डिजर्ट में, जहाँ पे आपको रेतीले मैदान दिखाई देते हैं, लेकिन अगर रेत हटाई जाए तो नीचे इसी प्लेटो के रॉक्स देखने को मिलेंगी, लेकिन उसके ऊपर रेतीले मैदान बन गए हैं क्योंकि इंडियन डिजर्ट एक प्लेन एरिया है। तो इसलिए कहा गया है कि ये वेस्ट हो गया और एक्सटेंशन का मतलब फैला हुआ, तो इसी सेंट्रल हाईलैंड का, या कहा जाए कि प्लेटो का वेस्टवर्ड एक्सटेंशन है ग्रेट इंडियन डिजर्ट। ये सैंडी है, रॉकी है, पथरीला है, क्योंकि नीचे चट्टानें मिलती हैं, अगर आप हटाओगे तो इन्हीं रॉक फॉर्मेशन को देखोगे, और यहाँ पे रेत पाई जाती है इसलिए सैंडी है। द फ्लो ऑफ द रिवर्स ड्रेनिंग दिस रीजन नेमली द चंबल द सिंध द बेतवा एंड द केन, देखिए यहाँ पे कुछ नदियों के नाम लिखे गए हैं, चंबल सिंध बेतवा केन, इनका फ्लो कहाँ से है, फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, और नदियाँ स्लोप के अनुसार बहती हैं, तो अगर ये साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ बह रही हैं तो स्लोप कैसा होगा, स्लोप भी ऐसे ही होगा साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट। देखिए ऐसा हम मिटा देते हैं, अब आपको समझ में आएगा, देखिए ये चंबल नदी है, अब ये इस पठारी क्षेत्र से निकलती है, ठीक, तो ये नीचे वाला हिस्सा साउथ हो गया, साउथ से निकलती है, उसके बाद इस तरफ को जा रही है तो साउथ वेस्ट हो गया, और नॉर्थ की तरफ जा रही है तो साउथ वेस्ट से नॉर्थ और फिर ईस्ट, मतलब मूवमेंट इसका नॉर्थ की तरफ है, नॉर्थ के बाद इधर घूम रही है, तो नॉर्थ ईस्ट, और निकलती साउथ से है तो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट। तो सिंध है, सोन नदी है, ये केन नदी है, ये बेतवा है, ये चंबल है, देखिए सोन नदी है,
ये सब पठारी भाग से निकल रही हैं जो सेंट्रल हाईलैंड का हिस्सा है और जाके यमुना नदी में मिल जाती हैं। ये सब यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं। तो अब आपको स्लोप भी पता चल गया और ये जो कुछ नदियाँ थी ये भी मैंने आपको बता दी। द सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर इन द वेस्ट बट नैरोवर इन द ईस्ट। अब आप देखिए, मुझे फिर से सेंट्रल हाईलैंड ड्रॉ करना पड़ेगा। तो नर्मदा नदी के उत्तर में है, देखिए नर्मदा नदी है, तो देखिए नर्मदा नदी ये, और ऐसे ले जाके ये आपका सेंट्रल हाईलैंड हो गया। अब ये सेंट्रल हाईलैंड वेस्ट में, मतलब देखिए ये ईस्ट पार्ट हो गया, ये नदन, ये सदन, और ये इसका वेस्ट पार्ट हो गया। तो वेस्ट पार्ट में ये ज़्यादा चौड़ा है और इधर कम चौड़ा है, ये वास्तव में इस टाइप से है। तो ईस्ट में कम चौड़ा, वेस्ट में ज़्यादा चौड़ा, और मालवा का प्लेटो काफ़ी कुछ कवर करता है इलाके को। द सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर इन द वेस्ट बट नैरो इन द ईस्ट। क्लियर हो गया, वाइडर कहाँ और नैरोवर कहाँ। द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेटो आर लोकली नोन एज द बुंदेलखंड एंड बघेलखंड प्लेटो। अभी हम देखेंगे बुंदेलखंड और बघेलखंड प्लेटो, वो भी कौन सा एक्सटेंशन है, ईस्टवर्ड। द छोटा नागपुर प्लेटो मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन। अच्छा, उसके बाद जब हम इधर बुंदेलखंड बघेलखंड से और ईस्ट की तरफ जाएंगे तो हमें छोटा नागपुर का प्लेटो मिलेगा, मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन। और वहाँ पे दामोदर नदी बहती है, उसी छोटा नागपुर प्लेटो में ऑरिजिनेट भी होती है ये। देखिए, अगर हमें रफली दिखाना हो तो हम यहाँ पर ये पोर्शन हम दिखा सकते हैं मालवा का प्लेटो का, इधर हम दिखा सकते हैं बुंदेलखंड का प्लेटो, और इधर बघेलखंड का प्लेटो, और इधर छोटा नागपुर का प्लेटो। लेकिन इसको मैं अलग से एक मैप में और आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये है पूरा पूरा आपका सेंट्रल हाईलैंड, ओके। और इस सेंट्रल हाईलैंड में ये प्लेटोस की लोकेशंस हैं। ये मालवा प्लेटो हो गया जो कि ज़्यादातर मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में भी थोड़ा सा हिस्सा है। बुंदेलखंड प्लेटो में उत्तर प्रदेश का भी इलाका आता है, झांसी वगैरह का। अभी हम लोकेट करेंगे ब्लैंक मैप में इसको। और ये आपका बघेलखंड का प्लेटो है जो मध्य प्रदेश के ईस्टर्न पार्ट से लेकर झारखंड में भी फैला हुआ है। और ये जो छोटा नागपुर का प्लेटो है ये मोस्टली झारखंड में ही है। यहाँ अरावली रेंजेस हैं और यहाँ पे राजमहल की पहाड़ियाँ हैं। और नीचे डक्कन का प्लेटो है जो बुक में दिया होगा, हम उसको पढ़ेंगे। द डेक्कन प्लेटो इज अ ट्रायंगुलर लैंडमार्क दैट लाइज टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा। तो देखिए, ये नर्मदा रिवर है, नर्मदा नदी के उत्तर में हो गया सेंट्रल हाईलैंड, अब दक्षिण में हो गया डेक्कन प्लेटो दैट लाइज टू द साउथ ऑफ द नर्मदा रिवर। क्लियर। द सतपुड़ा रेंजेस फ्लैंक्स, मतलब इसके किनारे पर हैं, फ्लैंक मतलब इसके किनारे पर हैं। द सतपुड़ा रेंज फ्लैंक्स इट्स ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ। तो देखिए, जो डक्कन प्लेटो है, यानी कि जो डक्कन का प्लेटो है उसके, इसको अलग से हम अलग ड्रॉ कर देते हैं, जो डक्कन का प्लेटो है उस डक्कन के प्लेटो में इधर नॉर्थ में सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं, अभी हम मैप में देखेंगे। और ये जो डक्कन का प्लेटो है ये ट्रायंगुलर शेप में है, ट्रायंगुलर लैंडमार्क। और ये नर्मदा नदी के दक्षिण में है, ये मान लीजिए नर्मदा नदी हो गई, इसके दक्षिण में है ना विंध्याचल की पहाड़ियाँ, उसके बाद नर्मदा नदी बहती है, फिर सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, फिर ताप्ती नदी बहती है। सतपुड़ा रेंजेस के नदन साइड में नर्मदा नदी और सदन साइड में तापी नदी। तो आप कह सकते हो कि नर्मदा नदी या विंध्याचल की पहाड़ियाँ नॉर्थ और साउथ को अलग करती हैं, इंडिया को भी। तो द सतपुड़ा रेंजेस फ्लैंक्स इट्स ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ। तो नॉर्थ में सतपुड़ा की रेंजेस जो कि मैंने बताया, ब्रॉड बेस का मतलब ये काफ़ी चौड़ा है ना ऊपर इधर। और वाइल द महादेव द कैमूर हिल्स एंड द मैकाल, अभी हम इनको लोकेट करेंगे, महादेव की पहाड़ियाँ, कैमूर की पहाड़ियाँ, मैकाल की पहाड़ियाँ। देखिए, महादेव की पहाड़ियाँ और मैकाल की पहाड़ियाँ ये तो हैं सतपुड़ा रेंजेस की, और कैमूर की पहाड़ियाँ हैं विंध्याचल रेंजेस की। फॉर्म इट्स ईस्टर्न एक्सटेंशन, ये इसके पूरब में है, मतलब ये अगर प्लेटो है तो इसके ईस्ट साइड में। देखिए, इसका नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, तो इसके ईस्टर्न साइड में ये पहाड़ियाँ पड़ती हैं। तो इनको हम लोकेट करें, चलिए लोकेट करते हैं। इसमें लिखा है लोकेट दीज हिल्स एंड रेंजेस इन द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया, तो करते हैं ना, आपकी बुक का ही मैप ले लेते हैं। देखिए, ये महादेव की पहाड़ियाँ हैं, ये मैकाल की पहाड़ियाँ हैं, इसमें कैमूर की पहाड़ियाँ शो नहीं हो रही। तो कैमूर की पहाड़ियाँ चूँकि विंध्याचल रेंज की हैं तो यहाँ हैं, लेकिन मैं आपको जो एक ब्लैक एंड वाइट वाला मैप है उसमें शो करता हूँ। अब इसको मिटा दें, इसकी तो जरूरत है नहीं। अब देखिए, यहाँ पर ये है सतपुड़ा रेंजेस, ओके, और ये रही महादेव की पहाड़ियाँ, ये रही मैकाल की पहाड़ियाँ, ये रही कैमूर की पहाड़ियाँ। कैमूर की पहाड़ियाँ विंध्याचल रेंज की हैं, और जो मैकाल जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है ना, ये देखिए ऐसे आ रही नर्मदा नदी, ये जाके यहाँ पे
इसको मैं अलग कलर से शो कर देता हूँ। देखिए ये है मैकाल रेंज ना, यही अमरकंटक से पहाड़ियाँ से निकलती हैं। ये है आपकी तापी रिवर, ये है महादेव की पहाड़ियाँ, यह है मैकाल की पहाड़ियाँ और यह है कैमूर की पहाड़ियाँ। कैमूर की पहाड़ियाँ विंध्याचल रेंज की हैं, महादेव और मैकाल की पहाड़ियाँ ये सतपुड़ा रेंजेस की हैं जो आगे तक चली गई हैं छोटा नागपुर तक, और ये भी राजमहल की पहाड़ियाँ तक चली गई हैं यहाँ पे। और ये सारी की सारी पहाड़ियाँ किस तरफ हैं? ईस्ट की तरफ हैं, क्योंकि हमारा जो डेक्कन का प्लेटो है ना, वो इस टाइप से ऐसे करके फैला हुआ है। सतपुड़ा रेंजेस के नॉर्थ में है। तो देखिए ये इसका ब्रॉड बेस है जो हम बता रहे थे, जो बुक में लिखा गया ना, ये ऊपर कहीं सा काफ़ी ब्रॉड है, और इसके ईस्टर्न पार्ट में पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। हालांकि जो कैमूर उमूर की पहाड़ियाँ वो सेंट्रल हाईलैंड चली जाएंगी, लेकिन ये भी इंडियन प्लेटो के ईस्टर्न साइड में तो है ही है। तो देखिए हमने सतपुड़ा रेंजेस कैसे फ्लैंक करता है वो हमने देखा, नर्मदा नदी के दक्षिण में है वो हमने देखा, महादेव कैमूर और मैकाल की पहाड़ियों को हमने देखा, और वो ईस्टवर्ड गई हुई ये भी हमने देखा। लोकेट दीज हिल्स एंड रेंजेज इन द फिजिकल मैप वो भी हमने ढूंढ लिया। द डेक्कन प्लेटो इज़ हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप्स जेंटली ईस्टवर्ड। देखिए ये वेस्ट में ऊंचा है और इसका स्लोप ईस्टवर्ड है। देखिए मैं आपको बता दूं कि जब ये जो प्लेट यूरेशियन प्लेट से, जो इंडियन प्लेट थी वो यूरेशियन प्लेट से टकराती है यूरेशियन प्लेट से, तो वास्तव में ये जो प्लेटो वाला नदन प्लेन का हिस्सा और ये सब छोड़ दीजिए, तो वास्तव में इतना हिस्सा, मतलब जो आप देख रहे हैं ना, ये हिस्सा टकराता है। ठीक, तो ये जो अरावली वाला पोर्शन है, अरावली रेंजेज आज की हैं, अरावली रेंजेज प्री कम्बेरियन इरा की हैं, बहुत पुरानी हैं। तो वास्तव में ये हिस्सा भी और ये हिस्सा भी टकराता है, तो ये टकराता पहले है, जिसकी वजह से टकराने की वजह से पीछे वाला हिस्सा ऊपर उठ जाता है। आपने कभी दो बैलों को लड़ते हुए देखा है? जब उनकी सींग आपस में टकराती हैं तो वास्तव में बैलों का जो पीछे वाला हिस्सा होता है वो ऊपर उठता है, तो जैसे ही टकराया तो ऊपर उठा, तो इसकी वजह से क्या हो गया कि काफ़ी फॉल्ट्स देखने को मिलते हैं। इस वजह से कुछ नदियाँ जो कभी इस साइड में बहती थी वो इस साइड में फ्लो होना शुरू हो गई। आगे चल के हम देखेंगे कि देखिए पालघाट, भोरघाट वगैरह हम आगे देखेंगे हैं, पालघाट यहाँ पे है, वो सब कभी इन्हीं नदियों के द्वारा बनाए गए थे। तो इन सब जो प्लेट टेक्टोनिक की वजह से ये सब घटनाएं घटी, तो हुआ क्या कि जो स्लोप जो है वो ईस्ट वर्ल्ड हो गया, नदियाँ ईस्ट को फ्लो करती हैं, और इधर वाला देखिए आप, देखिए सेंट्रल हाईलैंड की जो नदियाँ हैं वो इस तरफ जाती हैं। तो इसका मतलब ये हो गया जो इंडियन प्लेटो है इसका स्लोप किसी एक तरफ नहीं है, इसका स्लोप नॉर्थ ईस्ट की तरफ है और इसका स्लोप ईस्ट की तरफ है। तो वेस्ट में ये ऊंचा हो गया इसलिए से स्लोप इस तरफ बन गया। और ये जो आप नदियाँ देख रहे हैं ना, ये सब फॉल्ट में बहती हैं ना, जैसे दो प्लेट्स हैं आपस में, उनमें ब्रेकअप की वजह से फॉल्ट्स हो जाते हैं, है ना, एक हिस्सा जो है दो इधर बीच वाला हिस्सा नीचे चला जाता है, तो ये जो जगह बन जाती है इनमें नदियाँ बन जाती हैं, नदियाँ बह सकती हैं, सेडिमेंट्स ला के इसे भरा जा सकता है। तो ये रिफ्ट वैलीज़ हैं जहाँ से नर्मदा नदी और तापी नदी बह रही हैं, ये जो रिफ्ट क्रिएट हो रही है ना, सतपुड़ा रेंजेज जैसे उठी हुई हैं, इसके इस साइड में नर्मदा, इस साइड में तापी, और उधर विंध्याचल की पहाड़ियाँ। तो इसका स्लोप ईस्ट की तरफ है, नदियाँ ईस्ट की तरफ बहती हैं, जैसे आप देख रहे हैं है ना, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, ये सब डेल्टा बनाती हैं यहाँ पे, और इस तरफ वाली एस्चुरी बनाती हैं, सिर्फ जाके समुद्र में एक मुहाना बनाते हुए समुद्र में मिल जाती हैं, और यहाँ पे ये डिफरेंट डिफरेंट इस प्रकार का नेटवर्क तैयार करती हैं डेल्टा टाइप का, ट्रायंगुलर शेप में। आगे देखते हैं क्या लिखा है। एन एक्सटेंशन ऑफ द प्लेटो इज़ ऑल्सो विजिबल इन द नॉर्थ ईस्ट, मतलब जिस प्लेटो को हम पढ़ रहे हैं वो नॉर्थ ईस्ट में भी फैला हुआ है। लोकली नोन एज मेघालय कार्बी यांगलोंग प्लेटो एंड नॉर्थ कचर हिल्स। तो अभी हम इन्हें मैप पे लोकेट करेंगे, ठीक है, कि ये जो एक्सटेंशन है जो हमें नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलता है, मतलब जो हमारे सेवन सिस्टर्स है ना, उन स्टेट्स को हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कहते हैं, हिमालयन स्टेट्स भी हैं वो सब के सब, तो वहाँ पर अभी हम इनको लोकेट करेंगे, तो वहाँ पर भी ये प्लेटो फैला हुआ है। इट इज़ सेपरेटेड बाई अ फॉल्ट फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेटो। तो छोटा नागपुर प्लेटो के बाद फॉल्ट है, और फॉल्ट के बाद फिर ये प्लेटो में देखने को मिलता है। थ्री प्रोमिनेंट हिल रेंजेस फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट आर द गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ। ये हमने तब भी मैंने बताया था आपको, थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया था जब हम हिमालयन माउंटेन्स की जो डिफरेंट डिवीजन्स हैं उनको हम पढ़ रहे थे, किस प्रकार से वो जो हिमालय पर्वतमाला है वो ऐसे मुड़ती है नॉर्थ ईस्ट में, तो डिफरेंट डिफरेंट नेम्स है, तो वही मैंने आपको बताया था कि एक बरेल रेंज है और इसी से टच करती हुई गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ हैं, वास्तव में वो प्लेटो रीजन भी है। आइए हम देखते हैं उनको। देखिए ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का मैप है, ये मेघालय का रीजन है, और एक ये है जो मैं भी आपको बताऊंगा वास्तव में क्या हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, और थोड़ा सा यहाँ सटके भी है जो कि असम के क्षेत्र में पड़ता है, मतलब
ये असम में है और ये मेघालय में है। तो अभी हम इस पे वापस लौटेंगे, पहले हम मैप देखते हैं। देखिए प्लेटो यहाँ पे आके आपको ख़त्म होता दिखाई दे रहा है और इधर पर गारो खासी जयंती आपको पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। तो वास्तव में ये प्लेटो ईस्ट की तरफ फैला हुआ है, मतलब एक समय ऐसा रहा होगा जब ये प्लेटो इस टाइप से मिले रहे होंगे, ईस्ट वर्ल्ड एक्सटेंशन इसका। लेकिन बीच में फॉल्ट की वजह से, मैंने बताया ना आपको ये फॉल्ट की वजह से क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये ज़मीन का टुकड़ा है, ठीक है, अब फॉल्ट होने की वजह से मान लीजिए बीच में फॉल्ट हुआ तो बीच वाला हिस्सा नीचे चला जाएगा, तो स्थिति ऐसे बन जाएगी, ऐसे और ये, तो बीच में गैप हो गया ना। अब इस गैप में सेडिमेंट्स लाके इसे भरा जा सकता है, नदियाँ हैं बहकर इसको यहाँ पे इसको मैदानी इलाका बना सकती हैं। तो वास्तव में इधर पे यानी कि इस वाले पोर्शन और इस वाले पोर्शन के बीच का जो पार्ट है वो फॉल्टेड है, तो नीचे धस गया, तो नीचे धस गया तो ये दोनों प्लेटों आपस में अलग हुए, लेकिन प्लेटों की जो रॉकी पार्ट है वो नीचे धस गया। तो ये जो यहाँ पे गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदियाँ हैं, इसका काफ़ी पोर्शन बांग्लादेश में भी उन्होंने यहाँ पे सेडिमेंट्स ला ला के इस पोर्शन को भर दिया। तब क्या है कि इनके दोनों के बीच में मैदानी इलाका दिखाई देना शुरू हो जाता है। यहाँ पे हमारा पश्चिम बंगाल है, मैदानी इलाका दिखाई देना शुरू हो जाता है, मतलब ये अब नॉर्दर्न प्लेन में शामिल कर लेते हैं हम। लेकिन अगर इस प्लेन के नीचे अगर खोद कर मिट्टी निकाली जाए तो ये प्लेटो दोनों कनेक्ट होते हुए दिखाई देंगे। तो इसलिए लिखा गया है कि फॉल्ट की वजह से ये सेपरेटेड दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में इसी का ईस्टवर्ड पार्ट ये प्लेटो है, मतलब ये प्लेटो कभी यहाँ तक फैला हुआ था। अब वापस लौटते हैं मैप में, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अब आप देखिए ये ईस्ट गारो हिल्स, वेस्ट गारो हिल्स, ये पूरा का पूरा आपका हो गया गारो हिल्स का इलाका। इसके बाद देखिए वेस्ट खासे हिल्स, ये दरअसल जनजातियाँ हैं जो यहाँ रहती हैं, ट्राइब्स हैं, मतलब यहाँ के नेटिव पीपल्स हैं जिनके पूर्वज यहीं के बिलोंग करते हैं। तो वेस्ट खासी हिल्स हैं मेघालय में, इधर ईस्ट खासी हिल्स हैं, तो ये पोर्शन हो गया आपका खासी हिल्स का और ये हो गया आपका जयंतिया हिल्स का, जिसमें खासी हिल्स का इलाका ज़्यादा बड़ा है। और ये रहा शिलोंग, तो शिलोंग पूरा पठार पे बसा हुआ है, इसे शिलोंग का पठार भी कहा जाता है। और ये रहा आपका कार्बी आंगलोंग, है ना। अब ये पहले इधर हुआ करता था, इधर वाला भी ये पोर्शन कार्बी आंगलोंग का कर दिया गया है, तो ये कार्बी आंगलोंग ये भी प्लेटो है। और ये रही नॉर्थ कार्चर हिल्स जो आप देख रहे हैं, एक डिस्ट्रिक्ट भी है, ज़िला भी है नॉर्थ कार्चर हिल्स, तो ट्राइबल एरिया है और ये भी ट्राइबल एरिया के नाम पे ही पड़ा है। तो आप उस मैप में मैंने आपको बता दिया था किस प्रकार से सेपरेटेड है जो इंडियन प्लेटो का पार्ट है फॉल्ट की वजह से, और ये मेघालय का, और इधर पूरा मिला के कार्बी आंगलोंग प्लेटो कहलाता है। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि ये जो गैप है ना, इस गैप को क्योंकि यहाँ पर राजमहल की पहाड़ियाँ हैं और ये गारो खासी जयंतियाँ हैं, तो राजमहल की पहाड़ियाँ और गारो की पहाड़ियों के बीच में गैप है, तो इसे राजमहल एंड गारो गैप भी कहा जाता है, इसे मालदा गैप भी कहा जाता है। आज ये मैदान है यहाँ पे, मालदा वेस्टर्न बंगाल में एक डिस्ट्रिक्ट भी है। तो मेरे ख्याल से इधर का कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कोई क्वेश्चन माइंड में रह जाएगा। तो आगे देखते हैं क्या लिखा है। तो यहीं पे समाप्त हो गया, वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट्स को हम अलग ट्यूटोरियल में लेंगे। आइए अब एक ब्लैंक मैप भर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसमें फिलअप करेंगे जो डिफरेंट प्लेटोज हमने पढ़े हैं। देखिए ये मध्य भारत का पठार है जो कि बुक में नहीं दिया गया, जिसे हम छोड़ रहे हैं, हम मालवा प्लेटो लोकेट करते हैं। देखिए ये झांसी का इलाका है, ये जो आप देख रहे हैं ना ये झांसी है। तो आपको ऐसे उठाना है, ऐसे टच करते हुए, और देखिए यहाँ पर विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं उसके ऊपर हमें शो करना है। तो आप ऐसे लाके, और ये पोर्शन ये पूरा इधर इधर कवर करता है, तो ऐसे लाके आप ऐसे करके इसे आप शो कर सकते हैं, ये मालवा का प्लेटो हो गया। इसके बाद झांसी को लेते हुए कवर करते हुए ये भी पूरा इलाका कवर करते हुए, और इस तरह से नीचे लाके आप शो करेंगे ये बुंदेलखंड का प्लेटो, ये पूरा यहाँ से लेके पूरा आप ले सकते हैं। बघेलखंड के लिए यहाँ से उठाइए, यहाँ तक लेके जाइए और ऐसे घुमा दीजिए, हो गया बघेलखंड का प्लेटो। छोटा नागपुर प्लेटो के लिए आप पूरा ये राजमहल की पहाड़ियाँ यहाँ पे हैं, तो आप ऐसे ले जाके, ऐसे ले जाके, और इधर थोड़ा सा वेस्ट बंगाल का इलाका लेके, यहाँ पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट है उसको लेते हुए, उसको लेते हुए ऐसे करके आप ले जाके ऐसे दिखा सकते हैं। ये आपका हो गया छोटा नागपुर का प्लेटो, इसी में यहाँ से जाती है आपकी कर्क रेखा। ओके, तो छोटा नागपुर प्लेटो में इधर है हजारीबाग का प्लेटो, इधर है रांची का प्लेटो, क्योंकि रांची यहीं पे है, इसी कर्क रेखा पर है। तो हजारीबाग का प्लेटो, रांची का प्लेटो, ये सब मिला के छोटा नागपुर का प्लेटो बनता है।
जब आप मैप में देखते हैं ना, अगर ये आउटलाइन ना दी गई हो तो बहुत आसानी से आप इधर उधर करके बना सकते हैं, लेकिन आपको मैप इसी तरह मिलेगा, पॉलिटिकल मैप इसी आउटलाइन के साथ। तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ हमें कहाँ पे मालवा का प्लेटो शो करनी है, मतलब ये मालवा का प्लेटो हो गया बुंदेलखंड, ये हो गया आपका बघेलखंड, और ये हो गया आपका छोटा नागपुर। मैप में अक्सर जिनकी पोजीशन है इसे थोड़ा ऊपर दिखाया जाता है और इसे नीचे इस तरह से ला के दिखा देते हैं, और यही एक्सटेंशन है जो चला गया है यहाँ पे, जो गारो खासी और जो जैंतिया की पहाड़ियाँ हैं ना, प्लेटो रीजन, बीच में फॉल्ट है जिसे मालदा गैप कहा जाता है। इसके अलावा पहाड़ियाँ तो देखिए, इसका बहुत अच्छा तरीका है, इधर से आपकी निकलेगी नर्मदा नदी, मतलब इधर आएगी नर्मदा नदी, इधर आएगी तापी नदी, तो इसके ऊपर आपको इस तरह से आप जो है शो कर सकते हैं विंध्याचल की पहाड़ियाँ, इधर कैमूर की पहाड़ियाँ इस टाइप से, और तापी नदी के पहले यहाँ पे आप शो कर सकते हैं सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, महादेव की पहाड़ियाँ, मैकाल की पहाड़ियाँ, इस तरह से शो कर सकते हैं। नर्मदा नदी आप इधर मैकाल की पहाड़ियों से निकलती हैं, इस टाइप से आप बहता हुआ दिखा सकते हैं। तापी नदी भी इससे जाके ऐसे ख़त्म हो जाती है। और ये रहा आपका मेघालय का प्लेटो, और ये रहा आपका कार्बी आंगलोंग का प्लेटो, और इधर है नॉर्थ काचर हिल्स। आप मैप भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा इस तरह का मैप खरीद के। ये पहाड़ियाँ छोटा नागपुर तक चली गई हैं, और ये झारखंड तक चली गई हैं, बाद में राजमहल पहाड़ियाँ मिलती हैं, और इधर पूरा पोर्शन ऊपर का मैदान का है। यानी आपको जब भी प्लेटो शो करने हो तो देखिए इस प्रकार से एक आर्क बन रहा है ना। और अगर आपको खाली मैप मिले, ये देखिए जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था, जिसमें मालवा का प्लेटो कुछ बड़ा है, तो जो कुछ भी था बुक में इस चैप्टर में हमने बता दिया। कोई क्वेश्चन फिर भी माइंड में हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो एंडिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल, योर जीसस सेज यू गुड बाय, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।